11 अगस्त को दैनिक भास्कर .com ने देश के चार बड़े मंदिरों पर की एक्सक्लूसिव पड़ताल। जानना चाहा कि हमारे दिए दान का इन मंदिरों में कैसे होता है इस्तेमाल। चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। तिरुपति तिरुमाला, सिद्धि विनायक, शिरडी साईं बाबा और काशी विश्वनाथ मंदिर की आज संपत्ति 1,32,000 करोड़ रुपए की है, यानी देश के सबसे अमीर शख्स से भी ज्यादा दौलत। इन मंदिरों में 5 लाख श्रद्धालु 8 करोड़ का चढ़ावा रोज दान करते हैं। इसमें से महज 2% चढ़ावा ही भगवान पर खर्च होता है। 40% रकम महंत, पुजारियों और बाकी सैलरी में खर्च हो जाती है। बचे हुए पैसे सरकार की जेब में चले जाते हैं। सबसे पहले दैनिक भास्कर .com ने मंदिरों की 9000 पेज की ऑडिट रिपोर्ट के जरिए जनता तक ये बात पहुंचाई। मंदिरों के पास इस अकूत खजाने से 500 साल तक फ्री में पेट्रोल भराया जा सकता है, 100 साल तक फ्री में ट्रेन में सफर किया जा सकता है, 2 साल तक हर हिंदुस्तानी मुफ्त खाना खा सकता है। सवाल ये था कि जब दान का सही इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है तो मंदिरों में दान ही क्यों किया जाए। बाबा रामदेव, स्वामी अग्निवेश और श्री श्री रविशंकर ने भी दैनिक भास्कर .com के इस सवाल को सही करार दिया और लोगों से अपील की कि मंदिरों में दान न दें। हमारी ये मुहिम नेशनल मीडिया पर भी सुर्खियां बनी। जी न्यूज, इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज ने इस सवाल को प्राइम टाइम में उठाया। आज हम आपको हमारे देश की मंदिरों की ऑडिट रिपोर्ट दिखाएंगे। जी हाँ, देश के मंदिरों में इतना सोना मौजूद है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की संपत्ति एक साथ जोड़ भी दी जाए तो भी कम पड़े। भगवान को नहीं चाहिए दान, क्योंकि भगवान के पास इतना सोना है कि पूरा हिंदुस्तान अमीर हो जाएगा। त्रिकालदर्शी और पूरी सृष्टि का रचयिता परमात्मा है, उसको मेरे चढ़ावे की कोई जरूरत नहीं है। वेदों में साफ आया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत्यशा। मुद्दा आस्था का नहीं, हमारी मेहनत की कमाई के जाया चले जाने का है। सवाल आम पब्लिक की जेब से जुड़ा है, लिहाजा सोशल मीडिया में भी ये मुद्दा ट्रेंड करने लगा। दैनिक भास्कर .com के मंदिरों में न दान करने की मुहिम पर 1,40,000 से ज्यादा लोगों ने कमेंट किए और बुलंद आवाज में दान की बजाय अनाथ बच्चों पर पैसा खर्च करने का सुझाव दिया। तकरीबन 70% लोगों की यही राय है। इस वीडियो का मकसद महज इतना भर है कि दान करने से पहले सोच लें, ये पैसा किसी के ऐशो आराम का हिस्सा बनेगा या किसी मजलूम को 2 वक्त की रोटी नसीब कराएगा। रोहिताश्व कृष्ण मिश्रा, दैनिक भास्कर .com।